वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। आज हम एक नई स्टोरी जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, आज उसका फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, जिसका कि नाम है माय हस्बैंड वांट्स टू मैरी मी अगेन, यानी कि मेरा पति मुझसे दोबारा से शादी करना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बिजली कड़क रही होती है और बादल गरज रहे होते हैं, जिनमें कि हमें आवाज़ सुनाई दे रही होती है, चले जाओ यहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है एक शख्स जिसने कि अपने हाथ में चाकू ले रखा था और वो बेल्कनी पे खड़ा था और दो चार लोगों की ओर देखते हुए बोल रहा था, तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा अगर तुम पास आए तो, फिर तुम मुझे दोष मत देना। और वो इसी तरह चिल्लाने लगता है, वो और कोई नहीं हमारी कॉमिक का एक लीड जिसका कि नाम जी रान है, कि ये हान का लवर है। तभी हमें कदमों की आहट सुनाई देती है और अचानक से एक आवाज़ गूंजती है जिसमें कि वो और कोई नहीं ये हान था। और वो बोलता है, रान रान चाकू नीचे रख दो। ये लिंगहान जो कि नॉर्थ सिटी का टॉप अल्फा है, वो बोलता है, क्या तुम सच में मेरे साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। और वो इसी तरह से बातें करते हुए आगे आता है और रान के हाथ से चाकू को नीचे गिराते हुए बोलता है, रान रान तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तो फिर तुम क्यों मेरे लिए थोड़ा सा चेंज नहीं हो सकते। रान रान बोलता है, मैं एक अल्फा हूँ और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, और तुम मुझे ओमेगा बनाना चाहते हो, क्या इसी तरह तुम मुझे पसंद करते हो। ये हान बोलता है, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए करना चाहता हूँ। रान रान ये हान के हाथ को झटकता है और बोलता है, मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारे लिए मैं बॉटम बनने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करते हो और ये जानते हुए भी कि मैं अल्फा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने एक ओमेगा एजेंट को खोज निकाला और इस ओमेगा एजेंट की मदद से मुझे ओमेगा बनाना चाहते हो ताकि तुम्हारी ये फैमिली आगे बढ़ सके। ये हान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, रान रान तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें इस बात पर शक है, क्या तुम ये नहीं जानते मैंने तुमसे शादी करने के लिए कितनी मेहनत की थी। रान रान रोते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो अगर सिंथेसाइजर रिजेक्ट हो गया तो मेरी जान भी जा सकती है, तुम मुझे पसंद करने का सिर्फ दिखावा करते हो। ये हान रान रान के पास आता है और उसे बोलता है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी खतरा मोल नहीं ले सकते, 50% शायद रिजेक्ट हो जाए लेकिन 50% के पूरे चांस है कि वो सक्सेसफुल होगा। रान रान चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं मर गया तो। ये हान बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। रान रान मन में सोचता है, विश्वास, मैंने तुम पे कितना विश्वास किया था, मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल अपना शरीर सब कुछ खो दिया। रान रान बोलता है, मैं सिंथेसाइजर यूज़ नहीं करूँगा। ये हान करीब आता है और रान रान के कान पर बोलता है, तुम मुझे फोर्स मत करो। रान रान बोलता है, तुम भी मुझे फोर्स कर रहे हो। ये हान गुस्से में जाने लगता है और बोलता है, इसको सिंथेटिक एजेंट इंजेक्ट करो, अगर ये बात नहीं माने तो इसको पकड़ लो और इसकी अच्छे से पिटाई लगाओ। इतना सुनकर ये हान के लोग रान रान की ओर बढ़ने लगते हैं और रान रान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं हो पाता और उसको वो इंजेक्शन लग जाता है। रान चिल्लाकर बोलता है, ये लिंगहान मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये हान बोलता है, ठीक है तुम मुझसे नफरत करो। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है 3 दिन बाद दोपहर में रान रान की आंखें खुलती हैं और वो कराहने लगता है और
उठने की कोशिश करता है और उसका पूरा बॉडी दर्द हो रहा होता है और उसके जॉइंट में भी पेन हो रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि डॉक्टर और येहान की आवाज़ें थी, जिसमें कि येहान बोल रहा होता है इसे 3 दिन हो गए, ये अभी तक जगा क्यों नहीं है। डॉक्टर बोलता है थोड़ा वेट करो, ये उठ जाएगा, आज उठ जाएगा। येहान गुस्से में बोलता है कल भी तुमने यही कहा था, अगर ये फेल हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा अगर ये नहीं उठा तो। तभी येहान रान रान को देखता है और बोलता है रान रान तुम उठ गए, और वो तेजी से आकर उसे गले लगा लेता है। जैसे ही वो येहान को देखता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर येहान ने उसे गले लगाया हुआ था और वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो बोलता है मुझे ओमेगा की कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? माना कि अभी ओमेगा की हीट नहीं हो सकती लेकिन स्मेल तो आनी चाहिए, मुझे ये फेरमोन स्मेल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, आखिर क्यों, क्यों मैं सूंघ नहीं पा रहा हूँ? तभी रान रान बोलता है क्या तुम्हें बुरा लगा? तुम जानते हो ना मैं एक अल्फा हूँ, मैं ओमेगा कैसे बन सकता हूँ? येहान बोलता है शायद अभी इंजेक्शन ने असर करना शुरू नहीं किया है, और वो रान के करीब आता है और उससे बोलता है रान रान तुम जरूर एक दिन ओमेगा बनोगे। रान रान येहान की ओर देखता है और मन ही मन सोचता है येहान क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।